goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे गुड मॉर्निंग न्यूज और मैं हूँ आपके साथ त्रिशा। सरकारी दावों और आंकड़ों को छोड़कर जमीनी हकीकत की तरफ देखा जाए तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई ठप के कगार पर है। कोरोना संकट में स्कूल पहले से ही बंद है, वही संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप। दूरदर्शन के जरिए कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी में वे टीवी का रिचार्ज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि ऐसे में पढ़ाई कैसे करें? शिक्षकों के अनुसार उनकी कक्षाओं में 10-20% बच्चे ही जुड़ पाते हैं, वो भी नियमित रूप से नहीं। जो जुड़ पाते हैं उनमें से आधे बच्चे ही पढ़ाई समझ पाते हैं। महंत हनुमान शरण विद्यालय के शिक्षक गौरी बताते हैं कि बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ ही बच्चे क्लासेस में पढ़ाए जा रहे विषयों को समझ पा रहे हैं। इनकी संख्या 5% से भी कम है। बच्चों को एक दिन स्कूल बुलाने की जरूरत है। क्लासरूम पढ़ाई की तुलना ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं की जा सकती है। बापू स्मारक कन्या विद्यालय के शिक्षक अभिषेक कुमार ने कहा कि लगभग 6 महीने बीत गए हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। वीडियो के जरिए हम सिलेबस को पूरा कर भी दें, लेकिन बच्चे अगर समझेंगे नहीं तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में क्या ही लिखेंगे, और जिन तक वीडियो पहुंच नहीं पा रहा वो कैसे पढ़ेंगे। चलिए तो अब बता देते हैं ऑनलाइन पढ़ाई से क्यों नहीं जुड़ पा रहे बच्चे। कई के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप। जिनके पास है वो नियमित इंटरनेट पैक रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर अभिभावकों का काम लॉकडाउन में बंद हो गया है। स्मार्टफोन है भी तो एक है और अधिकतर वो पिता के पास रहता है। बच्चों का कहना है पिता बाहर रहते हैं तो पढ़ाई कैसे करें। कुछ की पढ़ाई दूरदर्शन से हो रही थी, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण टीवी का रिचार्ज नहीं हो पा रहा था। कई बच्चे माइग्रेट होकर अपने गांव लौट गए हैं, जहां उन्हें और भी समस्याएं आ रही है। कई बच्चे बाढ़ प्रभावित जिले में फंसे हैं, जिसके कारण वे क्लासरूम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।